काका, काका। पकेला, थकेला। ये तो है अकेला। ये किसका बेबी है? ना मम्मी है ना पापा है, मतलब ये खो गया है। काका, काका। और इसका नाम खोखा है। कवाली भाई, ये देखो खोया हुआ बच्चा मिला अपुन को। इसका ना बापू है ना माँ। इसको अपुन लोग पाल पोस के बड़ा करेंगे और फिर काम करवाएंगे, क्या बोलते हो? या झकास, अभी बोलने का नहीं, यहाँ से फूटने का। ये बच्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। सवाली, ये बच्चा है या सुपरमैन? हवा में उड़ रहा है। कवाली भाई, मेरे को तो लगता है ये मेले में भटकने वाला भूतिया बालक है। तो सोच क्या रह ला है, चल भाग यहाँ से। ये बच्चा तो कमाल का है, मिट्टी का लाल है। अरे इसके मम्मी पापा कौन है, उन्हें तो इनाम मिलना चाहिए। काका, काका। आप इसकी मम्मी है? आप है? क्या आप इसकी मम्मी है? Do you know him? आप इसके पापा हैं? हैं? आप? अरे आप? थकेला मेरे भाई, अब क्या करें? काका, काका। वो करते हैं जो जरूरी है, इसके मम्मी पापा को ढूंढते हैं। लेकिन ढूंढेंगे कैसे? बॉस, कोई आइडिया दीजिए ना बॉस। सबसे पहले हमें मेले में अनाउंसमेंट करवानी चाहिए कि बच्चा खो गया है। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना, हमें एक बच्चा मिला है जो खो गया है। जिस किसी का भी है, कृपया हमसे संपर्क करें। सुनो बच्चों, तुम्हारी हेयर स्टाइल और इस बच्चे की हेयर स्टाइल एक जैसी है। ये तुम्हारा भाई है क्या? नहीं, हम तो दो ही भाई हैं। ये टप्पू और ये गप्पू। टप्पू गप्पू, ये बताओ तुम बाल कहाँ से कटवाते हो? जूनी भाई के सलून से। पूरे इलाके में सिर्फ जूनी भाई ही ऐसी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। बता सकते हो जूनी भाई का सलून कहाँ पर है? मेले से बाहर जाके राइट लेना, फिर चौराहे से लेफ्ट लेना, सीधे चलने के बाद राइट साइड पे है जूनी भाई का सलून। यहाँ से खोखा का पता चल सकता है। काका, काका। मेरा कटिंग फेमस कटिंग, बच्चे के साथ बड़े की भी करता है मैं सेटिंग। तुमको करना है? तुमको करना है? तुमको करना है? अरे नहीं नहीं जूनी भाई, हमको कटिंग नहीं कराना। हमें तो इस बच्चे के बारे में है जानना। तुम्हारा बच्चा है, हमको इसके बारे में क्या पता होना? ये हमारा बच्चा नहीं है, हमें मेले में मिला है। वहाँ सबसे पूछा पर इसके मम्मी पापा का कहीं पता नहीं चला, लेकिन इसकी यूनिक हेयर स्टाइल आपने दी है, तो हमें लगा कि आपको कुछ पता होगा। काका, काका। ये तो खोखा वाला बच्चा है जी। इसका पापा आया था इसका बाल का सेटिंग कराने। जिस तरह हमारा हेयर स्टाइल फेमस है, खोखा का पापा का स्कूटर भी फेमस था। उसने उसी दिन हमारा मैकेनिक भाई लूनी से खरीदा था। हम दोनों भाई टैलेंटेड है। मैं हेयर कटिंग में, वो स्कूटर सेटिंग में। मेरे भाई के पास इसके पापा का एड्रेस जरूर मिलेंगे। थैंक यू जूनी भाई। अब आगे की मदद करेंगे हमारे लूनी भाई। Let's go! अरे पर वो भुलक्कड़ है, उसे कुछ याद नहीं होगा। अरे छोटू, एक ठो चाय पिलाना।
आप लोग आ गया, वेलकम वेलकम। आपको चटर्जी साहब ने भेजा है, हमको पता है। कम ना, सिट सिट। आपको तीन ठो स्कूटर लेना है या स्कूटर में तीन सीट फिट करवाना है? नहीं, हमें तो जूनी भाई ने भेजा है। कौन जूनी? हाँ, जूनी जूनी। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा जुड़वा भाई है। आप लोग उसे चूल कटवा के आया है, हमारा स्कूटर खरीद दे। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ मालिक, चाय। किसके लिए? आपके लिए। ए, ए, हम कब चाय मंगाया? चलो फुटो चलो फुटो फुटो फुटो। फिर भूल गए, यहीं रख देता हूँ, थोड़ी देर में खुद पी लेंगे। यस, बोलो कौन है तुम लोग? जासूस है क्या? कल्लू मैकेनिक का? हमारा स्कूटर बनाने का टैलेंट चुराने आया है? रुको, अभी तुमको मजा दिखाता है। अभी अभी रुको तुम। बॉस, लगता है इसका मेमोरी लॉस का झोल है। मुझे तो लगता है इसकी मेमोरी में ही होल है। लूनी मौसाए, हम तो इस बच्चे के घर वालों को ढूंढते हुए आपके पास आए हैं। काका, काका। खोखा, उरी बाबा, इस बच्चे को तो हमने पहले कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा है। याद करो लूनी, इसके पापा ने तुम्हारे यहाँ से स्कूटर बनवाया था, याद करो। कमॉन कमॉन, थिंक थिंक। और तुम्हारे यहाँ अपने घर का एड्रेस भी लिखवाया था। ओ हाँ, वो तो हम हर कस्टमर का लिखता है। लेकिन एक ठो प्रॉब्लम है। क्या? कोका, कोका। हमको तो ये याद नहीं है, खोखा के पापा का नाम क्या है? अकेला पकेला खोखा के बाल ज्यादा दिन पहले नहीं कटे हैं। जूनी ने कहा था कि खोखा के पापा ने स्कूटर उसी दिन खरीदा था जिस दिन खोखा के बाल कटे। यानी एक हफ्ते पहले जितने भी स्कूटर बिके हैं, हमें सबके घर चेक करने होंगे। इजी टास्क है, सिर्फ पांच लोग हैं। तो चलते हैं। हाँ। खोखो का घर ढूंढते हैं। अरे छोटू, चाय नहीं पिलाया अब तक। अब तो ये लास्ट घर है खोखा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा यहीं मिलेंगे। काका, काका। ताला गड़बड़ झाला। थकेला पकेला, ये डॉगी खोखा को जरूर पहचानता है और इसे लगता है कि हम खोखा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बॉस, इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे पास एक तरकीब है जिससे पता चल सकता है कि इसके मम्मी पापा कहाँ हैं। बाऊ, बाऊ, अरे मैं तो बोलने लगा। ये सर्विस थोड़ी देर के लिए ही है, तुम खोखा को जानते हो तो उसके मम्मी पापा को भी जानते होगे, है ना? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो ताला लगा के कहाँ गए हैं। अरे तो तुम बोल सकते हो, लेकिन सूंघने की शक्ति थोड़ी ना गई है। ओ हाँ, यू आर राइट, सूंघना है। आ जाओ दोस्तों, लगता है इसके मम्मी पापा मिल गए। हमारा काम हो गया था केला पकेला, आगे का काम डॉगी भाई सबको करने दो। वाह, इस डॉगी ने आपके बच्चे को ढूंढ निकाला। वेरी गुड डॉगी, ऊपर वाला भी कमाल करता है। चलो, खोया हुआ खोखा मम्मी पापा को मिल गया और हमारा मिशन भी इसके साथ पूरा हो गया।
तो नेक्स्ट प्लान क्या है बॉस? क्यों ना हम वॉटरफॉल देखने जाएं? अरे नहीं नहीं, मानसिंह हवेली के पुराने तालाब पे पिकनिक मनाए। वॉटरफॉल तालाब वॉटरफॉल जी नहीं, हम स्विमिंग पूल में आराम करने जाएंगे।